समस्तीपुर जिले के मोहनपुर प्रखंड के दशहरा गांव में लगभग 25 वर्षों से सड़क की समस्या है। ग्रामीण लोगों सड़क बनवाने के लिए प्रयास किया, लेकिन आज तक यह समस्या ज्यों की त्यों पड़ी है। बरसात के मौसम जब नदी में पानी भर जाती है तो यह सड़क की समस्या और विकराल हो जाती है। लगभग 2-3 महीने सड़क मुख्य रूप से बाधित रहती है, लोगों को आना जाना मुश्किल हो जाता है, दैनिक क्रिया ठप पड़ जाती है। बाढ़ के मौसम यह सड़क और भी समस्या बन जाती है। कुछ लोग तैरकर भी पार होते हैं, कुछ लोग स्वयं निर्मित नाव का सहारा लेते हैं। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय के अंतर्गत हर गाँव को मुख्य सड़क से जोड़ने की योजना चल रही है, लेकिन यहाँ कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। आप यहाँ कितने सालों से रहते हैं? मैं तो यहाँ स्थायी रूप से रह रहा हूँ लगभग 25 वर्षों से। और आपके गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या है यही सड़कों का, जो यहाँ से लेकर हमारे घर के लिए जाने में बाद और बारिश के दिन में बहुत तकलीफ होती है। लगभग इस रास्ते से प्रत्येक दिन 300 से 400 आदमी आते जाते हैं। तो बारिश के दिन आती है तो उसमें लोगों को कठिनाइयाँ होती है। उस समय लोग क्या करते हैं? उस समय लोग या तो नाव के सहारे लेते हैं, नहीं तो पगडंडी रास्ते से खेत से होकर अपना बाजार के लिए जाते हैं। बाढ़ आने पर क्या होती है इस सड़क की स्थिति? बाढ़ आने पर सड़क डूब जाती है। तो इस समस्या के लिए आप लोगों ने प्रयास किया है? प्रयास तो किया है, लेकिन अभी तक कोई इसमें परिणाम नहीं निकल पाया है। कई बार तो लिखित रूप से दे दिया गया है, आश्वासन दिया गया ठीक है एक साल बाद काम शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक उसमें कोई काम शुरू नहीं हो पाया। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये जो नदी के किनारे जो गड्ढा है इसको भार के ऊपर कम से कम बांध जैसा बना दिया जाए, जिससे आने जाने में तकलीफ ना हो। बिहार राज्य के दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड के पर्री रिजवान टोला में लोगों की जनसंख्या है 150। इस गांव में सड़क आने जाने के लिए नहीं है। 20 सालों से ये समस्या चले आ रहा है। पर्री गांव के लोग ने विधायक भोला यादव जी के पास गया तो उन्होंने बताया कि ये सड़क 7 निश्चय में बना देंगे, लेकिन अभी तक नहीं बना है। वहां के समुदाय के लोग अपने मुखिया जी से कहा कि सड़क बनवा दीजिए, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। सड़क टूटने से आपको क्या परेशानी होता है? सड़क टूट गया है, हमको बहुत परेशानी है। हमको बाल बच्चा जाता है तो डूब जाता है, मर्द पुरुष घिरा जाता है, कतु काम करने नहीं पा पाता है। चारों तरफ पानी भरा लगा रहता है, चारों तरफ चैप दे है, आ बीच में बाल बच्चा के लोके नहीं आ जाती, डगमगाइत रहे छी। अत एक बेर पिछला बाढ़ जे आयल तो हम बच्चा के लोके जे चल ली। कहाँ लेके जा रहे थे? बांध पर ऊंच पर जा लगली आ कि डूबे लगली, दोनों में दिन पानी पी गेल, बच्चों भी हम अपनों पिए लगली, तो दू गोरे से फिर बाई पकड़ करके आ तब ऊपर केला पानी में से निकाला। हाँ, पानी में से निकाल करके तब ऊपर चढ़ाया बांध पर। सड़क नहीं रहने से आपको क्या परेशानी होता है? बहुत सा परेशानी है, यहाँ पर घर में पानी घुस जाता है, हम लोग को जो है से माँ बहन बच्चे लोग जो है से कई बार डूबने लगा, बाढ़ बोहा आने से हम लोग को जो है से निकलने तक का जो है से कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है जो निकल पाएंगे। घर तक पानी बराबर हो जाता है, कहीं पते नहीं चलता है जो कहाँ पर पैर रखेंगे, कहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, कोई ठिकाने नहीं है। खेत आओ दूर मात्र जो है से आपको जो है से 2 फीट खड़े है। वोट लेने के लिए समय में सब जो है से अपना यहाँ पर आते हैं, लोभ दे दे करके हम लोग मुसर समुदाय का लोग जो कहते हैं करते रहते हैं। आज तक जो है से हम लोग जाने आने का जो है से कोई रास्ता नहीं है। अगर यहाँ पानी आ जाता है घर पे तो आप लोग कहाँ चले जाते हैं? हम लोग जो है से चले जाते हैं रोड पर, चले जाते हैं सोनकी भीड़ पर, यह मदरसा में चले जाते हैं हम अपने गांव में। हम लोग के जो है से कोई रास्ता नहीं है, वहां पानी नहीं जाता, वहां पानी नहीं जाती है, वहां पर हम लोग चले जाते हैं सब जो माल जाल ले करके। आप क्या चाहते हैं? हम लोग को जो है से रास्ता ही चाहिए, रास्ता पेरा हर चीज है, हम लोग को सुविधा हो जाए।
दोनों गांवों में सड़क की समस्या को हल करने में आप हमारी मदद कर सकते हैं। इसके लिए आपको इन दोनों गांवों के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी बीडीओ को समस्या से अवगत कराना होगा। मोहनपुर गांव के बीडीओ का नंबर है 9431818570। बहादुरपुर गांव के बीडीओ का नंबर है 9431818201।